हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेएससी ऑफिशियल की इस चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो हम लोग बात करना है। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा ध्यान से देखो। अगर आगे के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देख के आओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, कुछ मैं प्रैक्टिकल सम्स भी देने वाला हूँ, और साथ साथ के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ पे हम लोग इजी कैटेगरी वाले सम्स करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर और डिफिकल्ट, तो आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने रोड मैप के वीडियो के अंदर बोला हुआ था किस हिसाब से जा रहे, उसी हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। और अगर ये सारे प्रैक्टिस सम्स आपको चाहिए और इसकी PDF चाहिए तो आपको पता है कहाँ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी बातें दे दी है, उसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपके पास ट्रांजेक्शन आएगा, आपके साथ साथ कुछ लिखा हुआ होगा, ये सब होता क्या है क्या नहीं वो थोड़ी देर के अंदर क्लियर हो जाए, इस वीडियो के एंड तक आपका क्लियर हो जाए। ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आइदर वो इकोनॉमिक है आइदर वो नॉन इकोनॉमिक। अगर नॉन इकोनॉमिक है तो वहीं पे हमारा काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इससे आगे कोई बढ़ने की ज़रूरत आती नहीं है। पर अगर मान लो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो इकोनॉमिक जो होते हैं वो तीन किस्म के अंदर बांट दिए जाते हैं, आइदर वो हो सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन, आइदर वो हो सकते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आइदर वो हो सकते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन। स्पेशल ट्रांजेक्शन को हम लोग वक्त आने पे देखेंगे, तो हमारे लिए आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आइदर हो सकता है कैश ट्रांजेक्शन या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो आपको पता है कि वो कैश अकाउंट है। सर हमें कैसे पता वो कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट है, तो हमने इसके पहले एक लेक्चर के अंदर देख लिया था कैश और क्रेडिट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, याद आया? यस, वेरी गुड। तो कैश और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है कैश अकाउंट होता है, तो दूसरा अकाउंट आपको ढूंढना है, क्लियर डन। तो दो अकाउंट, और कैश अकाउंट किसके अंदर आता है, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल डाल देना है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये वाले रूल के हिसाब से इसका डेबिट क्रेडिट देख लेना है, और ये अगर डेबिट हो रहा है तो नीचे वाला क्रेडिट होगा, और ये क्रेडिट हो रहा है तो नीचे वाला डेबिट होगा, तो ये लॉजिकल चीज है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो एक पार्टी, पार्टी मतलब वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो पार्टी नहीं, दारू साटू वाली नहीं, ये पार्टी मतलब नाम, नाम किसी का। तो पार्टी अकाउंट किस में आ जाता है, पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। भाई वो तो बंदा होगा, या तो कोई इंस्टीट्यूट होगी, या तो फिर कोई नॉन लिविंग चीज होगी, या तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका रूल क्या है, तो ये रूल डाल देना है, और इसके सामने वाला जो अकाउंट है वो ढूंढना है। तो आपका काम क्या है, ट्रांजेक्शन जब भी आपके सामने है तो पहले ये सोचो क्या वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक वहीं पे काम खत्म। अगर वो इकोनॉमिक है तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक के अंदर तीन चीज़ हो सकती है, कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, या तो फिर स्पेशल। क्या इन दोनों के अंदर, अभी के लिए हम लोग कैश और क्रेडिट की बात करें, तो कैश है या क्रेडिट है वो ट्रांजेक्शन, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो एक अकाउंट तो फिक्स है कैश, इसके अलावा जो अकाउंट है वो आप लोग को ढूंढना है, और वो ढूंढने के बाद आपको रूल अप्लाई करना है, डेबिट क्रेडिट बताना है। अब जब मैं ये बात समझा रहा हूँ, देखो ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर एक स्कूल के अंदर ना हर एक टीचर की मेथड अलग अलग हो सकती है। जो मैं जिस तरीके से आपको टेबल समझा रहा हूँ, हो सकता है वो टीचर जो है ना पहले ये बोले नहीं ये कॉलम पहले आनी चाहिए फिर बात की ये कॉलम। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतने मैच्योर इनफ हो कि ये कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो, फिर आपके टीचर ने जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से स्कूल में फॉर्मेट ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि 11th के अंदर सारे मार्क्स देने वाले जो होंगे वो पूरे पूरे मार्क्स तो टीचर के हाथ में, तो टीचर के साथ ईगो प्रॉब्लम मत क्रिएट कर देना, कुछ भी ऐसी गलती मत कर लेना कि हाँ हमारा तो ये हुआ था, हमने तो ऐसा देखा हुआ था, हमें तो ये था, नहीं, टीचर जो बोले वो सही, इसलिए उस हिसाब से। पर समझना है तो धीरे धीरे वो ये होगी, कई लोग बच्चे ये भी कमेंट करेंगे नीचे कि सर हमारे स्कूल के अंदर ना पहले ऐसे पहला डेबिट वाला था फिर क्रेडिट वाला था। सही बात है, वैसा ही होता है, पर अभी के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ में क्या डेबिट आया क्रेडिट आया, अभी के लिए हम लोग को ये समझना है। धीरे धीरे आप जब जैसे ही चैप्टर नंबर 4 तक जाओगे या तो इस चीज के अंदर आप प्रो बनते जाओगे, तो जैसे ही प्रो बन जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर पाओगे, तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका पहले डेबिट ही निकलेगा फिर क्रेडिट ही निकलेगा, क्लियर डन। तो वो चीज़ दिमाग के अंदर बात की बात है, इसलिए ये सारी चीज़ों को लेके अपने लर्निंग पे हैम्पर मत होने देना, उस सारी चीज़ों को करते जाते हैं। चलो सबसे पहले मैंने ये जो बात बताया उसको समझते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज फॉर कैश, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, आंसर इज इकोनॉमिक, ओके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि है क्या, कि भाई कैश है या क्रेडिट है, और कैश तो भाई कैश है तो कैश ट्रांजेक्शन,
तो मैंने क्या कर दिया, ये पहला ट्रांजेक्शन था, पहली इफेक्ट, और दूसरे एक तो मुझे मिल गया कैश अकाउंट, एक मुझे क्या मिल गया कैश अकाउंट। तो इसमें से मुझे कैश अकाउंट तो पता चल गया, बराबर कैश अकाउंट मुझे पता चल गया। चलो इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो भाई रुपये इम्पोर्टेंट है, रुपये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रुपये हम लोग यहाँ पे लिख दें 5,000 रुपये, मैंने 5,000 लिख दिया, चलो ख़त्म, 5,000। चलो इससे ज़्यादा कुछ दूसरा रुपयों का नहीं हो। गुड्स और परचेस, गुड्स जब भी होते तो उसको मैंने बोला हुआ था आपको याद करने के उसके आने जाने का तरीका होता है। तो गुड्स आ रहे या जा रहे, आपने बोला सब परचेस किया तो आ रहे, आ रहे थे और खरीद के आए हुए, तो उसे हम लोग बोलते हैं परचेज अकाउंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं परचेज अकाउंट। ओके, कौन से टाइप का कैश किस में आता है, रियल। परचेज अकाउंट किस में आता है, रियल। रियल अकाउंट जैसे ही आपको मिल जाता है तो अब आप अपना दिमाग लगाओ, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर होता क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने माल खरीदा, मैंने किसी के पास से माल खरीदा और मैंने उसका पैसा दिया, तो कुछ आ रहा है, हाँ माल आ रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है, उसको हमने कौन से अकाउंट से दे दिया, परचेज। डेबिट व्हाट कम्स इन, अच्छा डेबिट इसे करना है, क्यों, गुड्स कम्स इन, ओके ये डेबिट है, पैसा गया, पैसा गया, रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इसे हम लोग लिखेंगे कैश गोज आउट। ये मेरा फॉर्मेट है। अब आपके स्कूल में हो सकता है क्रेडिट डेबिट लास्ट में लिखवाए, ये आगे लिखवा दे, ये लिखवाए भी नहीं, अमाउंट की कॉलम ना बनवाए, वो आपके स्कूल में जिस हिसाब से बोले उस हिसाब से, पर कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ वैसे आप लोग को सोचना है। चलो आज के दिन पर हम लोग खाली कॉन्सेप्ट समझ रहे, इतना दिल पे मत लो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब ये वीडियो आएगा नेक्स्ट लेक्चर का, उसके अंदर आप प्रो बन जाओगे, तब तक के लिए प्रो, आज खाली समझ। गुड्स ऑफ रुपीज फायदा ऑन परचेज फ्रॉम, ये आजकल सीरियल ऐसी हो चुकी है सब घर घर के अंदर। मैंने एक बार पूछ लिया क्लास के अंदर कि भाई कितने लोगों के घर पे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, तो मेजोरिटी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने बोला उस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन का करते क्या, तो कुछ बच्चे थे उन लोगों ने बोला मार्वल्स की मूवी देख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। ज्यादा लोगों ने मुझे आंसर ये दिया कि हम लोग तो अनुपमा का सीरियल जो होते हैं ना हमारे घर पे मम्मी, वो पहले देख लेते हैं, रात तक रहा नहीं देखा जाता उनसे, वो पहले देख लेते हैं। मैंने बोला क्या बात है, मतलब चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे भाई, पहले वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, तो आप बोलोगे सर ये तो इकोनॉमिक है, कैश है या क्रेडिट, क्योंकि सी एस एफ नहीं दिया और पार्टी का नाम दिया तो ये बन जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो पार्टी कौन होगी, ये सेकंड चीज है। अनुपमा, अनुपमा अकाउंट, चलो एक नाम ये आ गया, इसे भूल जाओ, इसे हम लोग हटा देते। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 5,000 रुपये जो है तो वो तो यहाँ पे आ जाएंगे, चलो 5,000 यहाँ पे आ गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, तो सर गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, गुड्स को आने जाने के तरीके से याद आ, परचेज अकाउंट, वेरी गुड, परचेज अकाउंट। अब ये अनुपमा कौन से अकाउंट में आ जाती है, पर्सनल, परचेज किस में, रियल। सबसे इजी रूल होता है रियल का अप्लाई करना, तो जब भी आपके पास सारे रूल्स दिए तो उसमें से रियल वाला इजी हो जाएगा, तो क्योंकि रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप बिजनेस हो, आपने गुड्स परचेस किए, आपने गुड्स परचेस किए, तो परचेस करते हुए अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, आप बोलोगे सर अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट कर लेते हैं, गुड्स कम्स इन। अब यहाँ पे जो है ना गुड्स क्या हो रहे हैं भाई, अनुपमा, अनुपमा पर्सनल, पर्सनल के अंदर क्या था, रिसीवर और गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैंने अनुपमा से गुड्स खरीदे, मैंने अनुपमा से गुड्स खरीदे, जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो अनुपमा जो है वो गुड्स दे रही होगी, हाँ तो वो दे रही है मतलब गिवर होगी, हाँ सर गिवर होगी, तो अनुपमा इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। लॉजिक था यहाँ पे डेबिट था तो ये क्रेडिट ही होने वाला था, इतना दिमाग नहीं लगाना था, तो यहाँ पे लिख दे अनु इज द गिवर, अनु इज द गिवर, समझ में आई बात है, क्लियर डन। तो ये हमारा हो गया ड्यूअल इफेक्ट्स के बारे में जो हमने बात करनी थी वो, तो मैंने यहाँ पे पहला एक ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा हमने क्रेडिट दिया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल
सम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल किस तरीके से होती है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉर्मल जहाँ पे आपका लर्निंग ज़्यादा होगा, फिर उसका एक्सपर्ट लेवल जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारे, साथ साथ में मैंने प्रैक्टिस सम्स भी दिए हुए। ये सारी चीज़ें मैंने UKIC Online.com के ऊपर साथ साथ के अंदर जहाँ पे ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे UKIC Online करके ऐप है वहाँ पे कौतल्य बैच बनाए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी, MCQs मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन भी हम लोग डाल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन मिल जाए, तो ऑल इन वन सारी चीजें मिल जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और ये सारी चीजें फायदा कहाँ पे करेगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई करना, जब तक के लिए हम लोग के पास बहुत सारा सपोर्ट है हम करते जा रहे हैं, हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं कि जिससे एक इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला होगा कॉमर्स के अंदर बच्चों को ये बोल दिया है ठीक है कॉमर्स लिया, पर कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है, कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, पर हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस आउट क्यों कर लेते, क्योंकि हमारे बेस अच्छे नहीं होते, हमने रटा ज्ञान होता है, या तो कई जगह पर मैंने ये देखा हुआ है एक साथ 50-100 लोग होते हैं, टीचर के सामने कोई डाउट पूछता नहीं है, उनके डाउट कभी क्लियर होते नहीं है, तो होता है क्या स्टार्टिंग से रट रट के जितना आगे हुआ वो धीरे धीरे 12th तक आते आते वो सब्जेक्ट से नफरत बन जाती है, फिर उसके अंदर मार्क्स नहीं आते, नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं और फिर वो उतना ग्रोथ नहीं मिल पाता। साइंस के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, JEE ये प्रैक्टिस, तो वो लोग क्या आते हैं रेगुलरली प्रैक्टिस बहुत करते रहते, हमारे वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए मैं ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे इसलिए लेके आया कि कॉन्सेप्ट कोई भी बच्चा किधर से भी हो कोई भी जगह पे हो सकता है वो ट्यूशन जा रहा हो स्कूल जा रहा हो तो कुछ भी हो जाए, पर उसके अगर कॉन्सेप्ट में किधर दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो वो मेहनत कर रहे हैं हम लोग पे अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोग को डिलीवर की जाए, ट्राई कर रहे हैं हम लोग जितना हो पा रहा है उतना वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे रेगुलर बैचेस भी होती है ऑफलाइन, तो वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाना होता है, वहाँ पे हम लोग भी उन लोग को वो रेगुलर स्कूल लेवल पे साथ चलना पड़ता है, तो वो स्पीड से जाते हैं, एग्जाम्स होती है, यहाँ पे हम लोग अपनी नोट्स भी देते हैं बच्चों को, और वो नोट्स भी हम लोग आप लोग को किस तरीके से देंगे क्या देंगे वो उसके बारे में भी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स के अंदर बताएंगे किस तरीके, तो पूरी पूरी नोट्स होती है जिसके अंदर आपके साथ हम लोग जब लेक्चर ले रहे हैं तो हमारी ये उम्मीद होती है कि आप लोग भी कुछ करते जा रहे हो साथ साथ में लिखते जा, और हमारी नोट्स इस तरीके से हमने डिज़ाइन किए हुए कि वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट हम लोग अपने बच्चों को देते हैं जहाँ पे जो ऑफलाइन आ रहे हैं उन लोग को, कि वो बच्चे जो होते हैं उन लोग को एक पूरी की पूरी प्रिंटेड चीज़ दी जाती है और वो बुक जैसा होता है, उसके अंदर वो लोग मैं जब सम कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ वो लोग वहाँ पर लिख पाते हैं, जिससे क्या हो जाए वही उनकी क्लास वर्क वही उनकी गीता वही थियरी वही सारी चीज़ें तो एक साथ पूरा का पूरा हो गया, तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं भाई स्कूल पेपर जो होता है या तो टेक्स्ट बुक होते हैं तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है आंसर किसी बुक में लिखा हुआ है और फिर वो लोग प्रीफर करते हैं डाइजेस्ट, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ डाइजेस्ट जहाँ तक हो सके वहाँ तक रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप डाइजेस्ट के भरोसे बैठना जिस दिन चालू कर दिया उस दिन आपका गारंटी के साथ मार्क्स डिक्रीज होना चालू हो, मतलब आप अपने कैपेसिटी में जो मार्क्स ला सकते हो वो नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो चुके डाइजेस्ट पे, आपने डाइजेस्ट देखा डाइजेस्ट में से जो चीज़ आपने समझी और आपने दिमाग ने जिस हिसाब से समझे उस हिसाब से समझे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही नहीं, तो और आगे जाके डाइजेस्ट आने भी नहीं वाली, जैसे आप कॉलेज में जाओगे वहाँ पे सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आज थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से करते जाओ, पॉज कर दो प्ले कर दो, ये सारी PDF मैंने दे दिया है तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर लो वहाँ पे, बहुत सारी हम लोग MCQ रख देंगे, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशंस रख देंगे, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, साथ साथ में जिन लोग को वो चाहिए PDF वाली चीज़ तो वो हमारे नीचे वाले नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हमारी टीम जो है वो उसका भी अरेंजमेंट करके आप तक भेज सकती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अकाउंट्स और स्टेट्स की नोट्स ECO BA के अंदर हम लोग ने बहुत क्लासीफाइड तरीके से बनाया हुआ है, वहाँ पर MCQ आ जाते हैं, वन लाइनर आ जाते हैं, 5 marker आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही यूनिक तरीके से हमने की हुई है, बस दुआ में याद रखना। और हर साल हम लोग नया नया कंटेंट डालते हैं जिसके स्कूल के अंदर कुछ नई चीज़ पूछ ली या तो कोई नए तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया घुमा के, तो वो सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल सकती है, नीचे नंबर्स दिए हुए तो वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, और अगर अभी के लिए आप लोग को ये सारी चीज़ें तो वो तो है ही ऐप के ऊपर, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से करो, मार्क्स अच्छे लाओ और आपके पेरेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी खुशी दो,
तो यही चीज़ होती है, पेरेंट्स की उम्मीद एक ही चीज़ होती है कि बच्चा अच्छा करे, लाइफ के अंदर सुखी हो जाए। तो उसी कारण से हम लोग पढ़ा रहे और आप लोग पढ़ रहे, तो ये दोनों का मकसद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। क्या बोल रहे हो, बच्चे यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं प्रेस होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेशी होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।